देश में कोरोना वायरस का कहर जारी। पिछले 3 दिनों से कोरोना के दैनिक मामले 1 लाख के पार। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की कायराना हरकत, टेरिटोरियल आर्मी के जवान को मारी गोली, जवान हुआ शहीद। पढ़ाई पर कोरोना की मार, दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार का है यह फैसला। बात करें यूपी में कोरोना की, तो योगी सरकार का नया निर्देश, 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करेंगे सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय। आफत बन रहा है धीरे धीरे कोरोना, देश में ऑक्सीजन की किल्लत, लगातार बढ़ रही है मांग, कीमत लगभग 2 गुनी। फार्मा सही दाम, दवाइयों के सही कीमत बताने के लिए लॉन्च हुआ था ऐप, है कारगर, कर रहे हैं लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल। 2016 में किया गया था इस ऐप को लॉन्च। राजस्थान के सीएम गहलोत की पीएम मोदी को चिट्ठी, कहा 2 दिन में खत्म हो जाएगी वैक्सीन, तुरंत करें प्रबंध। बात करें यूपी के सीतापुर क्षेत्र की, तो मिश्रिक सीतापुर रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। सैदापुर के पास गाड़ी चलाने वाले नशे की हालत में साइकिल सवार को मारी टक्कर। यूपी के कन्नौज क्षेत्र से खबर, नरसिंहानंद के बयान पर मुस्लिमों में देखा गया उबाल, जुम्मे की नमाज के बाद किया जमकर प्रदर्शन। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, डकोर पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बात करें यूपी के बलरामपुर की, तो उप जिलाधिकारी तुलसीपुर विनोद सिंह द्वारा तुलसीपुर मार्केट में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कराने हेतु किया गया है प्रेरित। बात करें यूपी के शाहजहांपुर की, तो जहरीली शराब के कारोबारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई, 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर संजीव कुमार वाजपेयी की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर, रिश्वत लेते बाबू का वीडियो हुआ वायरल, R9 भारत ने दिखाया प्रमुखता से। बात करें यूपी के कन्नौज की, तो डिलीवरी के दौरान विवाहिता की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, कन्नौज जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया शव। रुख करेंगे उड़ीसा की तरफ, जगन्नाथपुरी में पुरातन तथा सर्व प्राचीन मठ श्री शंकरानंद मठ के पुनरुद्धार के लिए मुख्यमंत्री जी को दिया गया है दावा पत्र। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कहा, घर में माताएं ही करें कोरोना से जागरूक, चलेगा अभियान तो सुरक्षित रहेगा उनका परिवार। लगातार उड़ीसा में भी बढ़ रहे हैं कोरोना से संबंधित मामले, राज्य सरकार ने देखते हुए 10 जिलों में लगा दिया है रात्रि कर्फ्यू। उड़ीसा के भद्रक से जुड़ी खबर, बाईपास में फूड कोर्ट का विधायक के द्वारा किया गया शिलान्यास, अद्भुत और सुंदर बनकर खड़ा होगा यह फूड कोर्ट। सीधा रुख करेंगे बिहार की तरफ, पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड में सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश रैली, उपस्थित रहे बहुत सारे लोग। बिहार के मझौलिया से खबर, समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने फरार चल रहे 2 वारंटियों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार कर भेजा है जेल। सीधा रुख करेंगे पटना की तरफ, मधुबनी नरसंहार से आक्रोशित राजपूत करड़ी सेना ने निकाला आक्रोश यात्रा, मधुबनी घटना की कड़ी निंदा करते हुए दिख रहा है लोगों का आक्रोश। ले चलेंगे सीधा आपको झारखंड की तरफ, जहां के बोकारो से संबंधित खबर, मोटरसाइकिलों पर सवार उचक्कों ने CCL सुरक्षा कर्मी से छीने 80,000 रुपए, मामला कथारा ओपी के रेलवे कॉलोनी का, जहां असनापानी मार्ग पर घटना को दिया गया अंजाम। बोकारो से ही जुड़ी दूसरी खबर, जहां कथारा क्षेत्र में इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर चौपाल का किया आयोजन। देश के लिए अच्छी खबर, नक्सलियों ने अपने कब्जे से मुक्त किया CRPF जवान राकेश्वर सिंह। बात करें मेदिनीनगर पलामू की, जहां उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को विशेष केंद्रीय सहायता की जिला स्तरीय समिति की बैठक का किया गया आयोजन, उपस्थित रहे सभी कार्यकर्तागण। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां के कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने लू से बचाव करना जरूरी, लू से बचाव प्रबंधन के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ के कोरिया से जुड़ी बड़ी खबर, जिले के अंतर्गत आने वाले खड़गवा थाना प्रभारी विजय सिंह के द्वारा करी गई बड़ी कार्रवाई, 7 पेटी अंग्रेजी शराब करी गई जब्त, साथ में अर्टिगा कार भी हुई है जब्त। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला आया सामने, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जुड़ी खबर, धोखाधड़ी करने वाले नटवरलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बेरोजगार लोगों से करता था नौकरी के नाम पर ठगी, तकरीबन 20 लाख रुपए की कर चुका है ठगी। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए दुर्ग में लॉकडाउन का 3रा दिन, 9 से 14 अप्रैल तक सभी शासकीय और निजी बैंक रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किया था आदेश। राजस्थान के झालवाड़ से खबर, मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कामखेड़ा बालाजी मंदिर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र वधू के उत्तम स्वास्थ्य की करी कामना।
राजस्थान के कोटा से जुड़ी बड़ी खबर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सुकेत नगर कमेटी की ओर से सुकेत नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यति नरसिंहानंद के खिलाफ थाने में दर्ज करी गई है शिकायत। बात करेंगे राजस्थान के कोटा की, जहां खैराबाद कस्बे में 2.5 करोड़ के गबन का आरोपी किया गया गिरफ्तार। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रहलाद राय के कार्यालय में करता था काम। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो जिले के बॉर्डर लालकुआ चेक पोस्ट पर हुई कोरोना जांच। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन है अलर्ट। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप हाल ही में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में थे भर्ती। 99 साल की उम्र में हुआ उनका निधन।